हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक, ठीक है, एक्सरसाइज 8.21 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के जो पहले के क्वेश्चन थे, पहली वीडियोस में बन चुके हैं आपकी, ठीक है, तो आप लोग उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में विजिट करके। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला फिर पहले इसको समझते हैं। शो दैट If the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. आपको प्रूफ करना है, शो करना है या दिखाना है, अगर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्टों में बांटते हैं एट राइट एंगल, और कहाँ पे राइट एंगल भी बनाते हैं 90 का एंगल, तो देन इट इज अ रोम्बस। तो आपको प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 का एंगल भी बना रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि इस टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा गिवन, दिया क्या है फिर आपको। अब हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नेमिंग हम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं ए बी सी डी करके। ठीक है ना, गिवन ए बी सी डी इज अ क्या, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच, जिसमें क्या है आपके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 एंगल या राइट एंगल। इन विच, इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को कैसे कट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, सिंपल से समझ में आ गया। अब हम इसका एक फिगर ले लेते हैं, फिर इसमें एक कहीं पे साइड में बना लेना आप लोग फिगर, इसको इधर पे लिख लेना, इधर पे फिगर बना लेना इसका। ठीक है ना, तो अब हम एक ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को कैसा प्रूफ कराना, फिर हमने रोम्बस, तो क्वाड्रिलेटरल को जनरली एक रोम्बस टाइप का ले लेते हैं हम। ठीक है ना, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसका नेमिंग दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है ना, हेयर ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एंड अ पॉइंट ओ वेयर दीज टू डायगोनल्स इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। देन टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है फिर आपका, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर आप चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो आप, चलो छोड़ दो इसको, समझ जाना। मीन से देखो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहेगा, मतलब क्या हुआ फिर, डायगोनल ये हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, बाइसेक्ट ईच अदर। इस वाली चीज का, इस चीज को नोट करो आप, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, पहली कंडीशन। दूसरी चीज बोलता है एट 90 या राइट एंगल, मीन्स ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे। ठीक है, अब इसका लेते हैं फिर प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है ना, इस चीज को समझ लेना आप लोग। अब हमको क्या करना है फिर, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस की कंडीशन क्या होती है फिर आपका, डायगोनल बाइसेक्ट करता है ये तो ठीक है आपका, देर का 90 पे कट करता है, जब भी हमने पढ़ा था डायगोनल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 90 भी बनता है ये तो ठीक है। डायगोनल रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये पता नहीं है कि आपकी इस क्वाड्रिलेटरल में सभी साइड अभी इक्वल है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रूफ करेंगे इसको रोम्बस दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी ये 4 के 4 जितनी भी साइड है, ऑल साइड्स क्या है, इक्वल दिखानी पड़ेंगी, सो करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो अगर हम सभी साइडों को इक्वल प्रूफ करा दें इसकी, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा फिर, ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पे प्रूफ कराएंगे फिर।
तो ले लेते फिर इसको, इसके इक्वल प्रूफ कराना है हमने, ठीक है। तो सिंपल सा हम बात कर लेंगे फिर, इस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल पे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी, इस वाले ट्रायंगल पे, इस वाले ट्रायंगल पे, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसको 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 सबको इक्वल प्रूफ कराना है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों की, ठीक है। तो इन दोनों की जब हम बात करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों में आपका हो जाएगा ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। क्यों होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ये बराबर होंगे, क्यों होगा ये, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट, क्या था, डायगोनल बाइसेक्ट, यहां पे आप लिख लेना, जगह नहीं हो रही, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है ना, इच अदर, इसलिए आपके दोनों बराबर हो गए, ओ डी इक्वल टू ओ बी, ठीक है, पहली कंडीशन। अब तीन चाहिए हमको इसको इक्वल दिखाने के लिए, हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, फिर सिंपलिसिटी यूज करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी चीज हम देख सकते हैं इसमें, ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या हो गया आपका कॉमन, ठीक है, इसको लिख लोगे, एंगल डी ओ बी, डी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ये सारे एंगल 90 के आपके, सो बाय किससे, साइड साइड मीन्स आपका बनाइए, ये साइड, ये एंगल साइड, मीन्स एस ए एस, एस ए एस रूल, एस ए एस रूल से आपका क्या हो जाएगा फिर, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए ओ बी सो बाय सी पी सी टी, आपका क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए डी इक्वल टू ए बी, मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे ये दोनों बराबर है, फिर समझ में आ रहा है, देखो ये तो बराबर हो गए, अब हमको प्रूफ करना चाहिए ये दोनों बराबर है। अगर हम प्रूफ कर देते कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये बराबर, ये बराबर, तो अपने आप ही ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो अपने आप ही सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी और इसकी, ठीक है ना। नाउ इसको इक्वेशन वन ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ डी, सॉरी, एंड ट्रायंगल बी ओ सी, करो फिर इसको जल्दी से करते हैं इसको, इस वाले में आपका कहाँ क्या, ये और ये बराबर, डी बी ए ओ डी इसको लिया था ना, हाँ डी बी क्यों होगा, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, क्यों होगा ये, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है ना। और दूसरा आपका ये वाला बराबर, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये भी आपका क्या हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है ना। और अगली चीज आपकी क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो इतना हो गया, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसको, ये एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, सो बाय हम बोल सकते हैं इसको, बाय साइड एंगल साइड, एस ए एस रूल, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। नाउ बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से क्या हो जाएगा फिर, इसके अपोजिट साइड से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे फिर, अभी ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। वैसे हमको इतना करने की जरूरत भी नहीं थी इसमें, हम सिंपल से भी बोल सकते हैं, देखो एक चीज छूट गई थी हमारी, ठीक है इतना कर लिया कोई बात नहीं चल जाएगा। अब देखो अगर इसमें डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, अगर ये डायगोनल जो है इसके बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है, तो आपका ये सबसे पहले हमने ये लिखना था इसमें, छूट गया, चलो कोई नहीं, अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो इसको, मतलब ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हो आप लिख सकते हो इसमें, यहाँ पे जैसे आपका ये प्रूफ में यहाँ पे लिख सकते थे आप, हेयर या बोल सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स एबीसीडी विल पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अगर
इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम होगा लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, रोम्बस करना है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे फिर और पैरेलल भी होंगे, ये इक्वल होंगे पैरेलल। तो रोम्बस में हमको क्या करना पड़ता है, इसमें अपोजिट साइड से पैरेलल एंड ऑल साइड से इक्वल, ठीक है ना। तो हमारे पास अपोजिट तो पैरेलल हो गए, ठीक है। अब सारे को इक्वल करना है तो ये इक्वल थे आपके, तो इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हमने कर दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों वैसे ही इक्वल हो जाएंगे। हमने क्या कर दिया था, फिर ऊपर ये चीज प्रूफ कर दी थी, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया था, लेकिन हम पैरेललोग्राम की कंडीशन से हमको ये पता है कि ये क्या हो जाएंगे फिर आपके, इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि अब इसी में लिख लेते हैं, चलो नीचे से हेयर नाउ ये इक्वेशन टू बोल दो इसको, ठीक है ना। हेयर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डाई एच, ये करना एज इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या होगा आपका, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया इतना, ये पैरेललोग्राम होगा। नाउ या देन, तब DC इज इक्वल टू AB, DC किसके बराबर होगा, AB के। इक्वेशन नंबर थर्ड एंड बस हो गया, इतना आ गया। अब हम इसको बोल सकते हैं AD, और ये तो हमने प्रूफ करी रखा है ऊपर, ये वाला हमने इक्वल प्रूफ करा ही दिया इसमें, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, बाय पैरेललोग्राम की कंडीशन से। नाउ फ्रॉम Now, from equation first, second and third, इन तीन इक्वेशनों से। अब देखो ध्यान से समझना, पहली इक्वेशन में हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कराया था, दूसरी इक्वेशन में ये दोनों इक्वल हो गए थे, तीसरी इक्वेशन में ये दोनों। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल है, तो कुल मिलाकर के अगर आप इसको समझोगे तो सारी की सारी आपस में साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम 1, 2, 3 से आपका क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है ना। ये सारी की सारी इक्वल होगी पहली कंडीशन, और दूसरी अपोजिट साइड से पैरेलल होंगी होंगी इसकी, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। सो या देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो इस कंडीशन को कंप्लीटली कर लेना इसको, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी इसको, ठीक किया हमने, ठीक है ना। तो इस पूरे को करोगे आप लोग, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं इसका, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।